जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में महाराजा पैलेस दिल्ली रोड में जाट बिरादरी का सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में 5 राज्यों के जाट प्रतिनिधियों ने वज्रादो सर्वखाप चौधरियों ने सेमिनार में हिस्सा लिया तथा जाट संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया था। केंद्रीय सेवाओं में जाट बिरादरी के आरक्षण के लिए जाटों ने सहारनपुर से भरी हुंकार। जाटों ने कहा कि आरक्षण नहीं मिला तो होगी आर पार की लड़ाई। जाट आरक्षण संघर्ष को राष्ट्रीय संयोजक चौधरी निरपाल सिंह के नेतृत्व में जाट समाज ने केंद्र में व अन्य राज्यों में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जाटों को आरक्षण को लेकर शंखनाद किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी बलजोर सिंह चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत सरकार ने जाट बिरादरी को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया था, जिससे जाटों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। दुर्भाग्यवश आरक्षण समाप्त कर दिया गया, जिससे समस्त जाट समुदाय में रोष व्याप्त है। आरक्षण समाप्त होने से युवाओं पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया, जिससे युवा दिशा विहीन हो रहे हैं। आर्थिक संकट, शिक्षा में पिछड़ना इसका कारण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि मोदी जी जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू करें। अध्यक्षता मुख्य संरक्षण चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट ने की। सत्या को राष्ट्रीय जाट चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरपाल झा, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष ज्ञान उत्तराखंड, चौधरी धर्मपाल चेयरमैन डमाला, चौधरी मित्रपाल पिन्ना, डॉक्टर जसवीर कालखंडे, चौधरी विनोद खेड़ा चेयरमैन प्रदेश उपाध्यक्ष, चौधरी सतीश एडवोकेट, चौधरी अजय पवार अहवाल, रणधीर पानू पानीपत, डॉक्टर कुलदीप शिक्षक नेता, डॉक्टर नीलू राणा, मुकेश चौधरी, चौधरी अरविंद आदि उपस्थित थे। आज सहारनपुर के महाराजा पैलेस में हमारे जाट समाज की जाट बिरादरी का ये सेमिनार हो रहा है, जिसमें हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान तक से हमारे जाट प्रतिनिधि और हमारे सम्मानित जाट चौधरी खाप के चौधरी यहाँ पर आए हैं। और हमारी मांग है कि केंद्रीय सेवाओं में जाटों को फिर से आरक्षण मिले। जिस तरीके से पहले हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, तो हमारी आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से मांग है कि जाट बिरादरी की भावनाओं को समझते हुए, जाट समाज की भावनाओं को समझते हुए उन्हें हमें आरक्षण दें। और ये हम उनको कहना चाहते हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहेगा, लेकिन जब तक जाट बिरादरी को केंद्र में आरक्षण नहीं मिलेगा, हम चैन से बैठेंगे नहीं और चैन से ना किसी को बैठने देंगे। और जब जाट आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाता है, वो फिर किसी से रुकता नहीं है। हम सम्मानजनक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम इस वक्त अपना लिए आरक्षण मांग रहे हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है जाट, आरक्षण खत्म करने से बड़ा असर पड़ा है, तो इस हमारी मांग को पूरा करें। ये हमारी मांग है समस्त जाट समाज की। आज ये जाट समाज के प्रतिनिधि, जाट समाज का गौरव, 5 राज्यों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनकी भावनाओं को केंद्र सरकार समझे। मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह जाट है। मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। केंद्र सरकार ने हमें जब आरक्षण कोर्ट में ख़त्म हुआ, ये वादा किया था कि हम जो है जाटों को आरक्षण देंगे, अलग से हम फिर एक अमेंडमेंट लेके आएंगे और सरकार, केंद्र की सरकार जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण देगी। लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, 2024 में चुनाव है। हम जो है सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से मांग करते हैं कि हमारी इस जायज मांग को, क्योंकि जाट समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, हमारी इस मांग को मानते हुए सरकार हमें केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दे, नहीं तो जो है जाट समाज शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेगा। हम जब तक हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा, हम आंदोलन करते रहेंगे। आज भाई नीरपाल जी ने इसकी शुरुआत सहारनपुर की इस जो है भूमि से कर दी है, यहाँ से हमने आवाज़ लगा दी है और 5 स्टेट के लोग आज यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में इकट्ठे हैं।
आगे आने वाले समय में हम अलग अलग हर एक स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में इसका जाट आरक्षण लेने के लिए बिगुल बजाएंगे, और जब तक हमें आंदोलन करते रहेंगे तब तक हमें केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण सरकार नहीं देगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।